नाला सोपारा, लोनावाला, खंडाला सब जगह घूमेंगे। सो ये है हमारा स्टे पहाड़ों के बीच में, देख सकते हो। सुसाइड भी हो सकता है, टूट गया, गिर गया तो मर जाएगा। बॉम्बे का बड़ा पहाड़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, मैं हूं सैफ पटेल, ऑस्ट्रेलिया से यहां पर आया हूं, सिडनी से सीधा अहमदाबाद, अहमदाबाद से बम्बई। सो आज हम आए नाला सोपारा। इंडिया के अंदर हमारी ट्रिप अभी चालू है, इंडिया में हम बम्बई के लिए निकले हैं। नाला सोपारा, लोनावाला, खंडाला सब जगह घूमेंगे। तो 4-5 दिन की ट्रिप है, ज़्यादातर कोशिश करूँगा एक ही व्लॉग में सब खत्म करूँ, लेकिन फिर भी देखते हैं कितने बनते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ। ये पीछे का नज़ारा देख सकते हो, कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। रॉयल एनफील्ड चलाने का मौका पहली बार मिला, तो ऐसा मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और जबकि आपका कैमरा मैन ही आपका ड्रोन हो और दरिया किनारा हो। बॉम्बे का वड़ा पाव, पंक, कैमल राइडिंग, एवरीवन लुक एट दिस, एवरीवन लाइक इट, पंक। सो ये है हमारा स्टे पहाड़ों के बीच में, आप देख सकते हो। यहाँ पर हम रुके हुए, बाजू में थोड़ा सा तालाब जैसा है, पानी देख सकते हो आप, काफ़ी खूबसूरत जगह है। ये है हमारा स्टे और साथ में स्विमिंग पूल भी है। और ये था हमारा रूम, यहाँ पर हम रुके हुए थे। ये 3 BHK था, अभी क्लीनिंग चालू है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो इस तरह का पूरा रूम था, किचन दिया हुआ था और काफी अच्छा लोकेशन है। हाँ, तो ये मेरी पहली जगह है रायवुड पार्क। ये क्यों बनाया? पेड़ को बचाने के लिए। पहले लोनावाला में पूरा जंगल था, लोगों ने पेड़ काट के घर और होटल बनाना शुरू किया, पेड़ खत्म हो गए। पेड़ को बचाने के लिए रॉय करके ब्रिटिश ऑफिसर ने एक जंगली पेड़ों का गार्डन बनाया है। इसमें कोई फूल नहीं किया, जानवर नहीं, 2000 जंगली पेड़ है, अपने आप उगे हुए हैं। रॉय करके ब्रिटिश ऑफिसर ने ये दीवार बनाई, 50 एकड़ में फैला है। और जंगल का सीन लेना है तो यहाँ बहुत पिक्चर वाले आते है, आके गए है। आ गए हम हमारे गार्डन में। वो वहाँ तक पानी रहता है रोड तक, बारिश में ये पूरा भर जाता है। अभी बारिश नहीं तो बस ये इतना ही पानी है, ये पूरा जमीन ढक जाता है पानी से। तो और लोनावाला शहर के नज़दीक बना है, इसलिए इसका नाम लोनावाला डैम। बस यहाँ से वो सीन लेते हैं पानी का। और ये वाटरफॉल धोध रहते हैं बरसात में, वो बारिश में ओवर फ्लो होता है, पगतियों से पानी बहता है, फिर वहाँ बैठ के लोग नहाते हैं। अभी अंदर ही पानी नहीं तो बाहर पानी नहीं आएगा। तो अभी वो वहाँ जाने से मतलब नहीं, क्या आपको जाना है? नहीं, क्योंकि पानी ने तो कोई मतलब नहीं, बेकार में आपके 200 रुपए जाएंगे। प्राइवेट डैम है, वो 100-100 रुपए गाड़ी कर लेते हैं। ओके, अब दिखती है ना दीवार और रेलवे डैम, वो बारिश में अच्छा है। वो मैं फोटो में गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ, वो देख लेना, क्योंकि फोटो में जो वाटरफॉल वो अभी नहीं रहेगा। ये बुशी डैम का पिक्चर, ऊंचा पॉइंट है, वैसे इसका नाम है चीनी का मैदान। यहाँ चीनी जैसी मीठी हवा है। क्यों है? ये जंगल में 400 किस्म के दवा के झाड़ है, जड़ी बूटी, हर्बल ट्री। पूरे हिंदुस्तान में हिमालय के बाद ये लोनावाला के जंगल का नंबर लगता है दवा बनाने के झाड़ के लिए। कुदरती सीन यहाँ अच्छा है, ये नहीं देखा तो लोनावाला नहीं देखा। सिर्फ बारिश में यहाँ धुम्मस रहती है, कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, 60 साल पहले यहाँ टाइगर आके बैठते थे, वो टाइगर की शिकार करने के लिए शिकारी इसी एरिया में आते थे। एक दिन शिकारी ने गोली मारी, वो टाइगर के पैर को लगी, जख्मी टाइगर ने छलांग लगा के शिकारी को यहाँ खाया है। तो गूगल पे नाम है टाइगर लिप, फिर बन गया टाइगर पॉइंट। ये देखो, ये लोनावाला का टाइगर पॉइंट है, सबसे ऊंचा यहाँ का पॉइंट है और काफी खूबसूरत है, काफी ऊंचा है। नीचे पहाड़ देख सकते हो पूरे। जब ये लोनावाला से नीचे उतरते हैं तो वहाँ पर एक दरगाह है और वहाँ पर आप नमाज पढ़ सकते हो। अभी हम वहीं पर आए हुए हैं, ये देखो ये दरगाह है। यहाँ पर लोनावाला में ये एक मुस्लिम हलाल रेस्टोरेंट है, यहाँ पर खाना खा सकते हो। इसका नाम है मुलाकात फैमिली रेस्टोरेंट। इस तरह की ये रेस्टोरेंट है जो मेन रोड पर ही है, देख सकते हो। हम खंडाला में आ चुके हैं। यहाँ पर ज़्यादातर के जो स्टॉप्स हैं वो विंटर में ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि अभी उतना
मजा नहीं आ रहा। इसका नाम राजमाची पॉइंट। आप देखो धुमस में छोटे छोटे दो पहाड़ है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ किला है। यहाँ से वो 20 किलोमीटर है जुड़वा किला, यहाँ से वो दिखता है, इसलिए इसका नाम राजमाची पॉइंट। वो किले का नाम राजमाची है। उसके तीनों तरफ खाई है और ये रॉक गार्डन है। पत्थर के ऊपर मिट्टी डाल के गार्डन बनाया म्युनिसिपैलिटी ने, इसलिए रॉक गार्डन। कोई बंदर पॉइंट भी बोलते हैं, कभी बंदर दिखते हैं, वो यही सीन है। तो जो ये लुकआउट पॉइंट है आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना गहरा है। नीचे से यहाँ पर एक हाईवे भी जा रहा है आप देख सकते हो। सुसाइड भी हो सकता है, टूट गया, गिर गया तो मर जाएगा आदमी। पहाड़ में ऐसे रहते हैं सुसाइड पॉइंट। ये है सनसेट पॉइंट, सनसेट हो चुका है। ये है हमारा आज नाइट का विला। आज रात को हम यहाँ रुकने वाले हैं। काफी खूबसूरत जगह है, देख सकते हो। यहाँ पर स्विमिंग पूल वगैरह भी दिया हुआ है, नहा सकते हैं, धो सकते हैं, बैठ सकते हैं। यहाँ पर काफी खूबसूरत लोकेशन है। लोनावाला जो मेन गांव है, विलेज लोनावाला जो है, वहाँ से तकरीबन ये 3 किलोमीटर का 3 किलोमीटर अंदर आता है। सो इट्स गुड प्लेस, मस्ट ट्राई। देखिए दोस्तों, ये है हमारा घर जो हमने रेंट पे लिया हुआ है। चमक धमक देख सकते हो आप। ये हमारा हॉल है, स्पेशियस है। यहाँ पर 4 रूम है, ये 4 BHK। सामने टीवी केबल वगैरह दिया हुआ है। ये रूम की कीमत एक नाइट की 10,000 रुपये है। सो 4 रूम लेने जाते हो तो 2,000 का आपको हो ही जाएंगे। सो नॉट बैड, रिकमेंडेड। अब हम आ चुके हैं वेट एंड जॉय। ये लोनावाला से तकरीबन 10-15 किलोमीटर के बीच में ये राइड है। यहाँ पर वाटर स्लाइड्स वगैरह सब कुछ है, और कहा जाता है यहाँ पर भीड़ भी कम होती है। हम इमेजी का जाने वाले थे, लेकिन अब जा रहे हैं यहाँ पर। ये वेट एंड जॉय में हम आ चुके हैं। ये देख सकते हो पूरा पार्क का मैप है। अब हम यहाँ बैठेंगे। ये देखिए हमारे साथ घुमा करिए। बांग। वो जोड़ दिया यो। बांग। ओ। ये बच्चों की राइड है। ये हेलो, ये देखो हमारा भाई शानवाज ऊपर बैठा है। यूं फट रही थी और ऊपर जाके बैठा है। नीचे से बोलता डर लगती है, अरे ऊपर जाके बैठ गया। ये दोस्तों ये है हमारी छोटी सी फैमिली। ये एक्चुअली शानू है, छोटा भाई, उससे छोटा भाई है, और ये इसका छोटा नमूना माज। इसके माज के डिंपल देखो, माशाल्लाह। अभी हम जा रहे हैं बुद्ध बंगले में, राइट। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे खून के डब्बे, ओ बाप रे, यहाँ पे एक पैर लटकता हुआ। अभी यहाँ से तो एंट्री है। ये चाचा है, अभी बाकी है, अभी तो एंट्री शुरुआत से है। बोला क्या रे तू गुंडा बनेगा, ये डराएगा तू। जैसे मर भी पड़ी ज़ॉम्बी। और यहाँ पर कटे हुए मुर्दे पड़े हुए, यहाँ पर ऊपर भी एक लटकता, वो अभी नीचे आएगा। अब ये था भूत बंगला, ये डराने की जगह, ये कॉमेडी मूवी लग रहा था।
तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कैसा लगा ये वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।